एक दिन हम अपने भैया के साथ मंदिर से आ रहे थे। हमारे गांव के पास की गांव के एक आदमी ने भैया को बोला, वो भैया का जान पहचान वाला था, वो बोला हम ऐसे नया स्कूल ओपन कर रहे हैं, हमको स्टाफ की ज़रूरत है, अगर तुम्हारी नज़र में कोई है तो हमें बोलो, हम डोनेशन लेके रखेंगे। भैया बोले शायद वो खुशखबरी मिल गई हमको, हम मंदिर से आ रहे, भगवान ने सुन ली हमारी। वो बोले हमारी बहन को थोड़ा रख दीजिए, जितना पैसा होगा हम दे देंगे। वो बोले कितना पढ़े लिखे सब कुछ हो गया, ठीक है तुम्हारा उसका सर्टिफिकेट वगैरह लेके आ जाओ। उसके बाद मुझे वो रख ली। रखने के बाद वो डीप डम ब्लाइंड स्कूल था, वो बोले ऐसे इतना महीने में हम भेजेंगे उसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे गुवाहाटी में, उसके बाद उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, अभी हम कम पैसा देंगे। मैं बोले चलो ठीक है। ऐसे करके करके वो ऐसे रिमर हो गया, फुल एरिया में रिमर हो गया, वो स्कूल ओपन हुआ है, ऐसे सब लोग आ रहे थे मतलब नौकरी के लिए, तो सबको वो मेरे बारे में बोल रहे थे। वो मतलब वो ये जो है ना वो मैडम वो स्कूल का हेड है, सारा डॉक्यूमेंट उधर ही देना, वो पैसा वगैरह वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करते थे, इतना पैसा देना है, ये करना है, वो करना है, वो खामे लेके आते थे, बोले उनके पास देना है। मैं कुछ देखती भी नहीं थी, बस वो लोग ऐसे मुझे रिक्वेस्ट करते थे मैडम हमको थोड़ा नौकरी में रख दीजिए। मैं बोली मैं तो आपकी जैसा हूँ, मैं भी खुद ही नौकरी के लिए इधर उधर मारा मारे फिरते घूमती हूँ, तो फिर मैं कहाँ से आपको दूँगी नौकरी, मैं भी आपकी जैसी हूँ, मेरी तो हैसियत नहीं है, वो तो नौकरी देने वाला वो है, वो तो मालिक है, मैं क्या करूँ। मैं बोले नहीं नहीं तुम तो हेड़ो, वो बोले मैंने वो क्यों बोल रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ, नहीं ऐसे मामूली आई हूँ नौकरी के लिए, मेरी नौकरी हो जाए ना बड़ी बड़ी बात है, मेरी हैसियत नहीं है किसी को नौकरी देने के लिए। वो बस मेरे पास पैसा दे के जाते थे, सब कुछ दे के जाते थे, मुझे मालूम नहीं होता था उसके अंदर क्या है कितना है, मैं ऐसे वो आने के बाद दे देती थी उनको, लेकिन खुश होते थे, चलो हेड बोल रहे हेड बोल रहे। मुझे फिर डाउट हुआ, मैंने घर में बताया, अरे छोटा भाई वाला होशियार से रहना, वो आदमी बड़ा डाउटर है, वो तुम्हारा नाम बोल के हेड हेड बोल के सबसे बात करेगा, बोलेगा वो उसको पैसा चाहिए इतना चाहिए, एक दिन सारे पैसा खा जाएगा, तुम बदनाम हो जाओगे, तुम जेल जाना पड़ेगा तुमको, ऐसे वो मस्ती करके बोल दिया। मेरे मुझे लगा हाँ यार ये भी सही अच्छे, मैंने एक दिन ही उनको बोला सबके सामने आप ऐसा मत बोलिए, मैं हेड हेड मुझे पसंद नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे ऐसे मेरे नाम बोल के पैसा ला रहे खा रहे, फिर एक दिन मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं ऐसे कमेडी करके बोल दी। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो मैंने ऐसे ही, तुम पहले आए थे ना पहले स्टाफ हो, न्यू स्टाफ को तो ऐसे ही बोलना पड़ता, तुम हेड हो ऐसे, इसलिए मैंने बोल दिया ऐसे, मैं कोई पैसा वैसा नहीं खा रहा, वो ऐसे बोल दिया। ऐसे ऐसे करके बहुत दिन निकल गया। दो रूम ही था उधर, आजविस्ट का रूम था, दिन में एक ऑफिस होता था एक रूम, रात को हम सारे लड़के उधर ही सोते थे। वो दूसरे का रूम जो था वो जितना सिक्योरिटी और जितना जेंट्स स्टाफ जितना स्टाफ है सब लोग उधर ही सोते थे। वो ओनर जो वो चला जाता था घर को, वो शादीशुदा था, लेकिन उसका वो एरिया में वो थोड़ा बदनाम था, क्योंकि वो एक डॉक्टर के साथ उसका चक्कर था, लेकिन उनका वो पर्सनल मैटर थी, लेकिन उसी नज़रिए से वो लोग हमको देखते थे, मतलब कैसे कैसे करके देख रहे थे। मैंने ये बात घर में बताई, वो ऐसे हैं लोग हमको कैसे कैसे करके देख रहे हैं, हमको लग रहा है वो हमको हमारे बारे में बुरा ही सोच रहे, कुछ ख़राब सोच रहे। मेरे भैया बोले तुम छोड़ दो लोगों को, हम उनका मैंटेलिटी हम चेंज नहीं कर सकते, तुम तो सही हो, वो तो सही है, लोग क्या सोच रहे हैं हमको कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है, किनके साथ वो क्या करे क्या नहीं वो हमारा मैटर नहीं है, वो उनका मैटर है, एक बार तुम्हारा नौकरी लग जाएगी तो लोगों अपने आप बोलना बंद कर देंगे। बोले चलो ठीक है। ऐसे करके बहुत दिन निकल गया। वो मेरा छोटा भाई जब जाता था मिलने, वो मेरी मम्मी उसके हाथ से हमारे घर में जितना सब्जी है बाग में जितना सब्जी है उनके हाथ से भेजते थे। वो एक दिन लेके आया था सब्जी, रात हो गया वो बारिश स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा से बारिश हो गया। वो ओनर थे, वो बोले मत जाओ आज घर, आज इधर रह जाओ, सुबह होने के बाद चले जाना, इतना दूर है मत जाओ। और फिर मेरा भाई उधर ही रह गया, वो जेंट्स का रूम था उधर ही सो गया, वो ओनर नहीं रह रहा था उस दिन रह गया। वो रहने के बाद वो आज उस घर तो था दो उस वो जेंट्स के रूम में वो निकलता था पानी ऊपर से, ऑफिस जो था उधर पानी नहीं आता था। उस दिन क्या हुआ, वो बोला वो इधर ज़्यादा बारिश हो रहा है, मैं ऑफिस में जाके सो जाता हूँ। ऐसे आके हमारा डोर आके नॉक किया, देखिए ने डोर ओपन किया, मैं क्या हुआ, नहीं हम अब तो दो घंटे में सुबह हो जाएगा, हम इधर ही सो जाते हैं। मेरे फ्रेंड बोले आप इधर सोएंगे हम किधर जाएंगे,
बोले तुम एडजस्ट कर लो थोड़ा, हम एक साइड में सो जाएंगे, 2 घंटे में सुबह हो जाएगा, हम चले जाएंगे, उधर ज़्यादा बारिश हो रहा है, हम काम करके आए हैं, हमको थोड़ा रेस्ट करना। वो आके उधर सो गए, हमको रात भर नींद नहीं आया, हम यही सोच रहे थे दूसरे रूम में मेरा भाई है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा, हमको भी नींद नहीं आ रहा था, हमको अनकॉन्शियस फील हो रहा था, वो उधर ही सो रहे थे, हम रात भर यही सोच रहे थे पता नहीं कब नौकरी का, कब इंजीनियर से हमको आराम मिलेगी, हम बहुत टेंशन में थे। हमारा भाई भी सच में वही सोच रहा था, वो जाके घर में बताया ऐसे ऐसे, वो जाके वो रूम में सो गए। उसके बाद मेरे मम्मी ने फ़ोन किया मुझे, ऐसे ऐसे आके बोल रहा है, मुझे वही सच है, वो हमेशा नहीं आते, वो इधर रहते भी नहीं है, रात को घर चले जाते हैं, लेकिन कल रात को इधर रह गए थे, वो उधर बारिश हो रहा था, इधर आ गए। हमको भी अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, हम भी रात भर नहीं सोए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो मालिक है, वो तो ऐसे हर रात को तो नहीं आते, ये तो फर्स्ट लास्ट है, और कुछ दिन की बात है, हमारा ट्रेनिंग होगा तो फिर हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ऐसे ही बोल रहे थे 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में ट्रेनिंग ऐसे होगा, गुवाहाटी में सब लोग जाएंगे, 15-15 लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे ही बड़ा बड़ा कहानी सुनाते थे। हम सोचे शायद सच्ची होगा, और भगवान के भरोसे हम बैठे थे। हमको कुछ जब वो चेकिंग के लिए आते थे ऊपर से, वो सारे गाड़ी बुकिंग करके, कार बार बुकिंग करके सारे बच्चों को लेके आ जाते थे, उधर एक बार दिखा देते थे, फिर वो जो चेकिंग करने के लिए आते थे उनको तो आइडिया होता था, ये 2 रूम में इतने सारे बच्चे पॉसिबल नहीं, इधर तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कैसे रहते हैं। वो इसे बोल रहे हैं नया घर है, ये घर हम भाड़े पे लिए हैं, नया घर बन रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो डेली ले नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे उनको समझा रहे थे, पैसा दे के चुप करा देते थे। एक दिन मेरी फ्रेंड ने आके बोली, वो भी उधर टीचर थी, बोली तुमको पता है, वो हमको सुनने में आया, वो एक ML का नाम लिया, वो ये स्कूल खरीद लिया है। मैं बोली खरीद लिया का मतलब क्या है, बोले वो ये जो ओनर है ना वो चेंज हो चुका है, ये सारा डॉक्यूमेंट उसको भेज दिया है, वो दूसरे जगह का नाम लिया, बोला उधर स्कूल ऑलरेडी बन गया है, नया स्टाफ इधर है, जितना पुराना स्टाफ है किसी का नाम भी नहीं है, क्योंकि उनको दिक्कत होगी, वो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर को उनका जान पहचान है, वो ML है, इसलिए वो पुराने स्टाफ को किसी को नहीं रखेगा। उसके बाद हम फिर हिल गए यार, 6 महीना हम ऐसे हल्ती में काम किए, तो कोई मतलब हमारे फ्यूचर कुछ नहीं है, ये सोच के हम बहुत रोने लगे। उसके बाद हम सब लोग मिलकर उनको पूछने लगे, ऐसे सुनने में आए ये सच है क्या, वो ऐसे बोले नहीं नहीं झूठ रहे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ से तुम लोग घर जाओ, अब सब कुछ फाइनल हो गया, 2 दिन में तुमको तुम बैग सब रेडी करो, 2 दिन में गुवाहाटी जाना है ट्रेनिंग के लिए। हमको भरोसा करने के बाद कुछ दूसरा रास्ता था नहीं, हम फिर घर आ गए। आने के बाद वो ऐसे करके फ़ोन नहीं उठाए, मेरा भाई गया, सब लोगों को फ़ोन किए, ऐसे हाँ आज कल उनके घर पर गए, ऐसे ऐसे करके वो सच में बेच दिए थे। हर बार की तरह इस बार भी हमको किस्मत ने धोखा दे दिया। हम आज तक कोशिश ही कर रहे हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक कोशिश कर पा रहे हैं। वो जो आदमी था पैसा खा लिया था, वो कंगल हो चुका है, फुल कंगल हो चुका है वो, अभी भी 1-1 रुपया के लिए वो इधर उधर भटक रहा है। लेकिन हम भी, हमारी ज़िंदगी कोई सुधरी नहीं है, हम आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, देखते हैं आगे भगवान कब हमारा साथ देते हैं।